नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहराइच हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के पिता कैलाशनाथ मिश्रा के बयान से हड़कंप मच गया है। कैलाशनाथ ने कहा कि मैं पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हूं, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लूंगा। उनके इस बयान से हड़कंप मच गया है। बता दें कि बहराइच हिंसा के पांचों आरोपियों को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुक्रवार को CGM के सामने पेश करने के बाद सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसी बीच पिता का वीडियो सामने आया, देखिए ये वीडियो। हाँ साहब, जो कार्रवाई भाई थी हमका संतुष्टि नहीं है, अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। वहीं इससे पहले आज ही राम गोपाल की पत्नी का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो घटना के बाद के हालात को साझा कर रही थी और प्रशासन पर ही आरोप लगा रही थी। ये भी वीडियो देखिए। नमस्ते गाइस, मैं हूँ लोली मिश्रा, राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। बहराइच से CNews संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। कुल मिलाकर देखें तो इस मामले में परिवार की प्रतिक्रियाएं स्पष्ट रूप से पुलिस की कार्यवाही के प्रति असंतोष और संतोष दोनों को दर्शाती है। मगर सवाल उठता है कि CM योगी के आश्वासन के बाद भी आखिर परिवार ऐसा क्यों कह रहा है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए CNews भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।